ये लो ये लो, खा लो खा लो खा लो खा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे, बखैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बड़ वक्त मिल सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, और जौनसा है हमारा, जौनसा यानी कि हमारी जौनसी रानी है, उसको मैंने दोस्तों एग का शेल डाला था, इसे थोड़ा सा खाया, बाकी देखिए इसे छोड़ दिया है। देखें एग का शेल, क्योंकि दोस्तों ये एग्स पर आने वाली है तो इसके लिए दोस्तों कैल्शियम की कमी, यानी कि कैल्शियम इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वजह से दोस्तों मैंने इसके जौनसा है एग का शेल डाल दिया, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम होती है। और इसके अलावा दोस्तों जौनसा है हमारे जौनसे बजीज है दोस्तों, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है देखें माशाल्लाह, और इनको भी दाना पानी करने वाला हुआ है। और दोस्तों जो सी हमारी लकी मादी है वो दोस्तों ये देखें सामने बैठी है, दोस्तों इंशाल्लाह जल्दी अंडे देने वाली है हमारी जैसी लकी मादी है। और जैसी हमारी अजवा है वो यहाँ पर खड़ी है और दोस्तों अपने चारे का इंतज़ार कर रही है, जिसको जल्दी से हम चारा भी देते हैं। आप दोस्तों देख रहे हैं कि यार हमारी छोटी गैंग कहाँ पर गई, दोस्तों हम आपको यही बताएंगे कि हमारी छोटी गैंग कहाँ पर गई। और इससे पहले यार देखे मैंने पानी रखा था इनके लिए, और देखे हमारा लकी पिजन ने नहाया है, और देखे जी सारा गीला हुआ है यहाँ से यार, इससे काम देखो खुदा भी सारा यहाँ से गीला कर दिया इसने। और हालांकि दोस्तों मैं सुबह सुबह उठ के यानी कि इनका ये जौनसा ये मैंने खुड्डा जौनसा वो मैंने साफ़ किया था अच्छे तरीके से, दोबारा गीला कर दिया। खैर यार सूख जाएगा क्योंकि धूप दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी निकली है। देखें सुबह सुबह दोस्तों मैंने छत धोई थी, और देखें अब आपके सामने बिल्कुल छत जौनसी है सूखी हुई है, और जैसी हमारी यजवा दोस्तों धूप में खड़ी है। और अब दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, तो दोस्तों यकीनन आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे सरप्राइज़ को देख के। उस दोस्तों सरप्राइज़ को आए हुए दोस्तों हमारे घर आज तीसरा दिन है, और मैं दोस्तों आज इनकी वीडियो बना रहा हूँ। आज दोस्तों ट्यूसडे का दिन है, हम संडे वाले दिन लेकर आए थे सरप्राइज़ अपना, और दोस्तों इतना को अच्छा सरप्राइज़ ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। और दोस्तों मेरे ख्याल से आवाज़ें भी आ रही आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही होंगी, तो तब तक आप गैस करके हमारा कौन सा सरप्राइज़। तब तक दोस्तों हम अपनी अजवा को दोस्तों सबसे पहले हम डालते हैं जी इसके पट्टे। ये रहा दोस्तों जी अजवा की डाइट, और ये जी कबूतरों की मुर्गियों की, इसको दोस्तों हम यहाँ पर रख देते हैं। और ये जी जो सा हम दोस्तों सरप्राइज़ लेके हैं वो रोटी शौक से खाते हैं, तो उसके लिए रोटियाँ लेके आया हूँ मैं ये यहाँ पे। और ये देखिए जी, और ये है जी बाजरा हमारे बजीज के लिए, और ये है जी हमारी अजवा की डाइट, तो इसको दोस्तों हम उठाते हैं। और दोस्तों आज जो सा घास है ना वो बहुत ही अच्छा घास है, देखें ये जो सा स्टाला होता है ना उसको कुतरा हुआ है देखें, तो ये दोस्तों हमारी जो बहुत शौक से खाएगी, देखते खाती भी है कि नहीं, मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत शौक से खाएगी क्योंकि बकरियाँ बहुत शौक से खाती हैं। तो इसके आगे डालते हैं जी इसकी डाइट, और तो इसको दोस्तों सबसे पहले मैं डाइट डालता हूँ फिर आपसे मैं मिलता हूँ। अजवा को दोस्तों मैंने डाइट डाल दिया है, और देखें हमारी अजवा दोस्तों जैसे ही कैमरा मैंने ऑन किया है और ये दोस्तों बैठ चुकी है, और बैठ के अपनी जो सा चारा आराम सुकून से खा रही है। और यार ये जो सा चारा है बहुत ही शौक से खा रही है देखें माशाल्लाह। और दोस्तों इतना यानी कि अच्छा घास नहीं देखें, नरम भी है और जो सा हरा भी है, और काफ़ी अच्छा घास मिल गया हमें आज ये देखें माशाल्लाह। और अब दोस्तों सर्दियाँ, अब हमें यही मिलेगा, सबसे मज़े की बात यह हमारी जो सी अजवा सारी सर्दियों में यही डाइट खाएगी माशाल्लाह। खाओ देखिए दोस्तों हमारी जो सी अजवा माशाल्लाह से कितना शौक से खा रही है देखें माशाल्लाह। और बाकी जो सा है ये बटल मैंने यहाँ पर रखा है, ये दोस्तों बेसन है, इसको हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में कहा था हमारी अजवा दोस्तों यहीं पर खाती है देखें माशाल्लाह, यहाँ पे खाती रहेगी। और अब हम ऐसा करते हैं कि जो सा है इसको वापस इसकी जगह पे रख के आते हैं। तो यार अभी तक जो सा मैंने अजवा को बस डाइट डाली है, बाकी जैसे परिंदे दोस्तों अभी इनको नहीं डाली, अभी इनको डालना है, तो मैं सोच रहा यार आपको सरप्राइज़ दे ही देते हैं। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं जी अपने सेटअप पर बिग वाइट डक्स, ये दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जब हमारे 1 के सब्सक्राइबर होंगे तो हम तब लेकर आएंगे, पर दोस्तों मुझसे रहा नहीं गया, तो मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि यार हमारे सेटअप पर जिस तरह की डक्स हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह यार डक्स हमारे सेटअप पर आ चुकी हैं। और अब आपका काम बनता है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे दोस्तों और भी मज़े मज़े के सरप्राइज़ आपको इंशाल्लाह मिलने वाले हैं। तो यार मैं आपको बिना वक्त ज़ाया किए आप सरप्राइज़ दिखाता हूँ। तो ये है जी हमारी आज का हमारा आज का सरप्राइज़, और ये है जी दोस्तों मेल, और ये है जी फीमेल। और अब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ, तो ये देखे यार हमारी डक्स बिग वाइट डक्स माशाल्लाह। यार ये देखे जी माशाल्लाह
माशाल्लाह ज़रूर कहना यार आप लोगों ने। ये दोस्तों आपका सरप्राइज समझ लो, ये दोस्तों आपकी ही डक से हम आपका और हमारा शौक पूरा कराएंगे इंशाल्लाह। और दोस्तों ये हमारा समझ लो मिनी जू बन गया हमारी छत पे। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यार जब हमारे 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट होंगे तब हम डक्स लेकर आएंगे, पर यार हमने यार आपको पहले ही सरप्राइज़ दे दिया आपको, यानी कि पहले ही हम अपने सेटअप पे डक्स ले आए हैं। अब आपका काम बनता है कि यार आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यार ये है जो सरप्राइज़, और यार इतनी प्यारी है ना, और फुल वाइट है यार। ये देखिए जी, ये मेल है, ये देखिए इसका आपको ऊपर सर पर यानी कि क्राउन नज़र आ रहा होगा, देखे ये मेल, और ये है हमारी प्यारी सी फीमेल। और दोस्तों इसका नाम भी हमने रखना है, आप कमेंट से बता सकते हो इनका हम नाम क्या रखें। वैसे दोस्तों मैंने सोच रखा है, पर आप भी दोस्तों हमें ज़रूर बताना इनका हम प्यारा सा नाम रखेंगे। और ये दोस्तों मैं कह रहा था कि हम अपने सरप्राइज़ जो हमारा इनको रोटियां हमारी बिग वाइट डक्स, और यार इनको लोग तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, यानी कि इसको बिग वाइट डक्स भी कहते हैं, इसको बड़ी बत्तख भी कहते हैं कुछ लोग, और इसको गीस भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों असल नाम है वो दोस्तों है जी राज हंस। और अब दोस्तों हम अपनी राज हंस को खोलने वाले हैं, ताकि जो सा अब जब इसका नाम रखेंगे तो दोस्तों तो फिर हम इनके नाम से पकड़ा करेंगे। और ये देखें जी बाहर आना चाह रही है, देखें माशाल्लाह, ये देखें ये जी, ये देखें यार हमारी बिग वाइट डक्स, और ये है जी फीमेल, और ये है जी मेल। और यार इनका साइज़ देखिए कितना ऊंचा है, यानी इनका है, और यार इनका शोर देखिए कितना मज़े का शोर है यार इनका। ये दोस्तों सरप्राइज़ आज का, और ये देखिए जी हमारे सेटअप पर कितना शोर मचा रही है, देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। अब इनको दोस्तों डाइट लेनी इसलिए दोस्तों ये बोल रही है, इनको भी डाइट भी देते हैं। तो ये देखें दोस्तों आज का सरप्राइज़ आपको कैसा लगा हमारा, ये देखें यार, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें सुभान अल्लाह, देखें यार कितनी बड़ी डक्स मैं लेके आया हूँ। और हालांकि दोस्तों मेरा इरादा कि छोटी डक्स लेकर आऊँ, पर यार मैं बड़ी डक्स लिया, क्योंकि दोस्तों मेरा बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे साथ में बड़ी डक्स हो। और ये दोस्तों फाइनली मैं ले आया हूँ बड़ी डक्स, ये देखें वो जांच के, इसको पता ना कि दोस्तों इसके अंदर डाइट डालनी है, तो वहाँ पर जाँच किया। और दोस्तों अब आपको मेरी वॉइस पता नहीं आ रही होगी सही से या नहीं आ रही होगी, तो अब दोस्तों आपको इसका बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बड़ी डक्स आ चुकी है और दोस्तों बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। तो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये दोस्तों मेल है और वो फीमेल है, देखें यार मेरे पास आनी है कि मैं इनको डाइट दूं। और यार ये जो सब बत्तख है यार काटती भी बहुत ज़्यादा, जो सब मेल है दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ये काटता भी है बहुत ज़्यादा, जब इसको कोई छेड़े ना तो फिर बहुत ज़्यादा काटता है। और ये दोस्तों माशाल्लाह देखें किस तरीके से हमारे सेटअप घूम फिर रहे हैं, और हमारे जितने भी परिंदे हैं वो हैरान और परेशान है कि हमारे सेटअप क्या आ गया। और हमारा छोटू गैंग है दोस्तों, वो यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया है, ये भी बड़ा केज है, इसका ना दोस्तों हमारा छोटू गैंग लेगा आज के बाद, क्योंकि बड़ा पिंजरा दोस्तों, तो इसको दोस्तों हमने इस वजह से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। इनका नेस्टिंग बॉक्स भी मैंने तैयार कर दिया है, वो सामने रख दिया है, और अब इनको इनकी डाइट डालेंगे। तो ये है जी रोटी, तो ये दोस्तों बहुत ही शौक से खाती है रोटी, तो ये देखें जी मैं इनको डाल के भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें दोस्तों रोटी कितने शौक से खाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनकी जो फेवरेट डाइट रोटी है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें वो मेल यार, इसकी आवाज़ देखें जब शाम की नहीं थी वैसे आवाज़ निकालते, देखें फीमेल, ये देखें जी, ये लो जी खा लो, ये लो खाओ खाओ खाओ। ये देखें यार हमारी जो डक्स हैं, इनको मैंने रोटी भी डाल दी थोड़ी सी, अभी इनको असल खुराक हमने देनी है। तो वो दोस्तों जो दापड़ा नज़र आ रहा है ना, तो उसके अंदर दोस्तों हम रोटी डाल देंगे, पानी डाल देंगे, फिर ये इसके अंदर मुंह मारेंगी और सारी डाइट जो है ख़त्म कर देगी। और यार यहाँ पर भी हमने चादर लगा दिया है, ताकि यहाँ से हवा वगैरह ना जाए, क्योंकि यार दिसंबर का महीना आने वाला है, एक दिन रह गया, आज 29 नवंबर है, तो जो सा यार अब हवा तेज़ होती है सुबह टाइम, जिसकी वजह से दोस्तों इस तरह से आवाज़ आती है, तो इस वजह से दोस्तों हमने आगे से भी कवर कर देते हैं, इस तरफ से कवर होता है, और इस तरफ से आपको पता है कि ब्लैक्स लगी है, उस तरफ से कवर होता है, तो हमारे बर्ड जो की सेफ्टी अच्छी हो जाती है। और ये था दोस्तों आज का सरप्राइज़, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी की दोस्तों वीडियो जो है लंबी हो रही मेरे ख्याल से, अभी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम सारे बर्ड्स को अपना दाना पानी करेंगे, इनको भी दाना पानी करेंगे। तो यार ये था आज का सरप्राइज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा हो, तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स में बताना कि यार हम इनका क्या नाम रखें। तो ये था जी सरप्राइज़, ये देखें माशाल्लाह। तो यार उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।